डवाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री यूनुस खान शनिवार को जनसंपर्क के दौरान देशनाथ क्षेत्र के बेरीखुर्द गांव पहुंचे, जहां पर गांव वालों ने एक विशाल जुलूस निकालकर खान का स्वागत किया। गांव के बाहर करीब 3 किलोमीटर पहले बनवासा स्टैंड से खान को वाहन रैली से गांव के बस स्टैंड तक लाया गया। उसके बाद खान को हाथी पर बैठाकर गांव के मुख्य मार्गो से हिदाणा में सभा स्थल तक ले जाया गया, जहां रैली एक विशाल सभा में तब्दील हो गई। अपने संबोधन में खान ने कहा कि 40,000 से ज्यादा मतों की जीत पर इतराने वाले क्षेत्रीय विधायक को इतने बड़े वहम में नहीं रहना चाहिए कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जिस जनता ने इतने वोट देकर जिताया, आपने उसी जनता के दुख तकलीफ पर आंखें मूंद ली। यूनुस खान ने कहा कि 1 मई 2018 को 2000 करोड़ खर्च कर डिडवाना क्षेत्र को हिमालय का पानी लाया गया, लेकिन 2018 में सरकार बदलने से पूर्ववर्ती सरकार की जनहित और महत्वाकांक्षी योजनाओं को खुर्द बुर्द कर दिया गया। पिछली 4 तारीख से लेकर आज शाम तक ये जो लोग हैं सब एक ऐसा बगीचा है जिस बगीचे में हर तरीके के फूल हैं, हर तरीके की खुशबू है। और ये लोग जिन्होंने मेरी हिम्मत भी बंधा रखी है, हौसला भी बना रखा है और हर कदम पर दिन हो चाहे रात हो साथ दे रहे हैं, ऐसे मोतियों से महंगे अतिथियों का तालियां बजा करके स्वागत करिए, अभिनंदन। मैं अगर नाम लूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय का व्यक्ति है, और मैं ये कहूं हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के महावीर जी ओझा सबसे आगे बैठे हुए हैं, पुरोधा रहे, रामकरण जी भी बैठे हैं पायली और उनके पूरी टीम, नाम लें तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर बीजेपी की बात करें तो व्यास जी, जब जनसंघ का समय था जब से लेकर के उनके पिताजी राम जी व्यास जी से लेकर के आज, और माड़ी समाज, ब्राह्मण समाज, महाजन समाज, ओबीसी वर्ग पूरा, मेघवाल समाज, नायक समाज, रेगर समाज, मतलब जिस समाज का नाम छूट जाएगा उसको तकलीफ होगी कि आज स्टेज से हमारा नाम लिया। हर व्यक्ति इस मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा है, साथ ही नहीं खड़ा है, नेतृत्व कर रहा है। ये इधर वाले थोड़े से बैठ जाएं तो पीछे महिलाएं हैं, थोड़े से बैठ जाओ, महिलाएं हैं, लेडीज़।